वेलकम बैक व्यूअर्स टू टैक्स फॉर वेल्थ. माय नेम इज नकुल अरोरा और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की. हम शुरुआत करते हैं आज से आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को डिस्कस करने की. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की डिस्कशन की स्टार्टिंग के लिए आज हम बात करेंगे आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड? एक यूनिक 10 डिजिट नंबर इशूड बाय द डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. हर इंसान जानना चाहता है कि मैं कैसे लीगली एलिजिबल हो जाऊं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के. दोस्तों आसान है ना, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लीजिए, डीजीएफटी आपको इशू कर देगा. बहुत ही आसान है जितना मैंने बताया. प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं और आप उसे बहुत इजीली बहुत ही कम फीस गवर्नमेंट को पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं. तो दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए. बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं. पैन कार्ड नंबर, उसके अलावा करंट बैंक अकाउंट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, बैंकर का सर्टिफिकेट, आईईसी कोड नंबर जो आपको वहां पे लगाने के लिए चाहिए, और एप्लीकेशन फीस जानना चाहेंगे कितनी कम है? मात्र 250 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको डीजीएफटी को सबमिट करानी होती है. उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होता है अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में. उसके अलावा ईमेल मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दें तो कम्युनिकेशन फास्टर होता है. कोई रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट आपको इजीली फटाफट से डीजीएफटी आपको मेल करेगा और आप उस मेल का फटाफट से रिस्पॉन्स दीजिए और अपनी क्वेरीज का आंसर पाइए. तो बात करते हैं आईईसी की एप्लीकेशंस होती कैसे हैं. देखिए अगर आप एक कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस से, और अगर आप कोई भी अदर टाइप ऑफ एंटिटी है तो अपने हेड ऑफिस के सबसे नियरेस्ट डीजीएफटी अथॉरिटी को सबमिट कराएंगे अपनी एप्लीकेशन, जो कि है आयात निर्यात फॉर्म नंबर 2, यानी कि फॉर्म का नाम है ANF 2A. फॉर्म का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्म उतना ही सिंपल है, डोंट वरी अबाउट दैट. इसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो अटैच करके आप आयात निर्यात फॉर्म सबमिट करा दीजिए. इसके साथ साथ अपेंडिक्स नंबर 18B अटेस्टेड बाय द बैंकर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि अगर मान लीजिए मैं एप्लीकेंट हूँ या आप एप्लीकेंट हैं, आपका बैंकर एक अपेंडिक्स नंबर 18B को अटेस्ट करेगा, जिसको आप बैंकर के ही लेटर हेड पर अटेस्ट करा के 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपने ANF 2A के साथ आप इसको सबमिट कराएंगे. और आईईसी एक पैन के अगेंस्ट, सिर्फ एक आईईसी इशू हो सकता है, मल्टीपल आईईसी एक पैन के अगेंस्ट नहीं, यानी कि आपके पैन से जुड़ा हुआ ही होता है. सीक्रेटली बताऊं तो आपका पैन नंबर ही आईईसी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है जब आपको डीजीएफटी अलाउ कर देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की परमिशन, यानी कि ये पैन नंबर ही आपका आईईसी बन जाएगा. बस एप्लीकेशन करवा के आपको डीजीएफटी से अप्रूवल लेना होता है. आइए बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एक आईईसी कोड बनवाने के लिए. पहले तो कवरिंग लेटर चाहिए उस एप्लीकेशन का, आपकी कंपनी के या आपकी किसी भी बिजनेस के लेटर हेड पे. उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आयात निर्यात फॉर्म ANF 2A की 2 कॉपीज आपको सबमिट करानी है, जो कि जॉइंट डीजीएफटी के ऑफिस में आपको सबमिट करानी है. उसके अलावा हर इंडिविजुअल पेज ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ टू बी साइंड बाय द एप्लीकेंट. मैं एप्लीकेंट हूँ तो मुझे हर इंडिविजुअल पेज ऑफ द एप्लीकेशन पे अपना दस्तखत करना है. उसके साथ Part 1 और Part 4 जो है वो सभी एप्लीकेंट्स को पढ़ना है, और एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होंगी. कोई हार्ड कॉपीज Part 1 की ना भी सबमिट करें तो चल जाएगा. उसके अलावा सिर्फ Part 2 के रेलिवेंट पोर्शंस, यानी कि जो आप पे अप्लाई होते हैं सिर्फ वो के वो भर के चलिए. 250 रुपये की बैंक रिसीट, यानी कि मैंने आपको कहा था ना 250 रुपये की फीस है, वो बैंक रिसीट आपको अटैच करनी है. अपेंडिक्स 21B और अपेंडिक्स 18A जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पैन, और उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इसका ऑनविलप जो है वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि 40x15 सेंटीमीटर का एक ऑनविलप आपको ₹25 के पोस्टल स्टैम्प के साथ आपको पहुँचा देनी है अपने नियरेस्ट DGFT ऑफिस में. और इसके साथ साथ 100 रुपये का DDA चलान फॉर स्पीड पोस्ट से पहुंचाने के बाद आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे DGFT, और DGFT आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होकर आपको इशू कर देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और वहीं से आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. आगे आने वाली क्वेरीज के लिए और वीडियोज आएंगे. किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं. आप चाहे तो हमें कम्युनिकेट कीजिए टैक्स फॉर वेल्थ पे, चाहे तो मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछिए. नीचे कमेंट्स में दे दीजिए कि आपको क्या क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, हम इंश्योर करेंगे कि आपके जवाब तक जरूर पहुंचे. टैक्स फॉर वेल्थ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं नकुल अरोरा मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.